बच्चों, कक्षा 10 से आज हम एक बहुत ही सुंदर कविता लेकर आए हैं, जिसका नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसकी कवयित्री हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी। उनका जन्म हुआ सन 1907 में। जन्म स्थान रहा उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद नामक नगर में। श्रीमती महादेवी वर्मा ने मधुर मधुर मेरे दीपक जल जो ये कविता लिखी है, इसमें उनकी अपनी अनुभूति और चिंतन का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। दीपक को वो एक परोपकार, वेदना और त्याग की भावनाओं का प्रतीक मानकर चलती हैं। वे इसके द्वारा कहना चाहती हैं कि वह अपने जीवन के कण कण को दीपक की लौ की भांति जलाकर अपने प्रियतम या अपने ईश्वर के पथ को प्रकाशित करना चाहती हैं। यही सब हम इस कविता में जानेंगे। आइए सबसे पहले महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जान लें। श्रीमती महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात है, अर्थात प्रसिद्ध है। महादेवी जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद नामक नगर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से फिर शुरू की गई, अर्थात विवाह के कुछ समय के बाद इन्होंने पढ़ाई अपनी फिर से आरंभ की। अंतराल का अर्थ है कुछ समय के बाद। वे मिडिल में अर्थात आठवीं में पूरे प्रांत में प्रथम आई और छात्रवृत्ति भी पाई, अर्थात उन्हें वजीफा भी मिला। यह सिलसिला कई कक्षाओं तक चला। ये बहुत ही होशियार छात्रा रही। उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर नारी शिक्षा प्रसार में जुट गई। ये एक समाज सेविका के रूप में भी प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। उस समय आजादी का आंदोलन का समय था और उन्होंने इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महादेवी ने छायावाद के चार प्रमुख रचनाकारों में औरों से भिन्न यानी कि औरों से अलग अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया, एक विशेष स्थान बनाया। महादेवी का समस्त काव्य वेदनामय है, अर्थात दुख से भरा हुआ। इनकी कविता का स्वर सबसे भिन्न और विशिष्ट तो था ही, सर्वथा अपरिचित भी था। लोग उनके तरीके से परिचित नहीं थे। इन्होंने साहित्य को बेजोड़ गद्य रचनाओं से भी समृद्ध किया। इन्होंने सिर्फ कविताओं की ही रचना नहीं की, गद्य और पद्य दोनों रचनाओं में उन्होंने श्रेष्ठ भूमिका अदा की। 11 सितंबर 1987 को उनका देहावसान हो गया, अर्थात उनका निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्राय सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ के अलावा उन्हें अन्य बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया, अर्थात सुशोभित किया। आइए उनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। कुल 8 वर्ष की उम्र में 12 मासा जैसी बेजोड़ कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा। इनकी गद्य रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के अक्षर। महादेवी की रुचि चित्रकला में भी रही। उनके बनाए गए चित्र उनकी कई कृतियों में प्रयुक्त किए गए, अर्थात प्रयोग किए गए। उनकी ये बहुत बड़ी खूबी रही कि वे कविता रचना और गद्य रचनाओं के साथ साथ चित्रकला में भी हाथ आजमाती रही। उनके द्वारा बनाए गए चित्र भी उतने ही सुंदर थे जितनी सुंदर उनकी कविताएं। आइए पाठ प्रवेश के बारे में जानते हैं। इसमें मुख्यतः यह बताया जाता है कि कवि या लेखक का यह पाठ या कविता लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है, वो इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं। औरों से बतियाना, औरों को समझाना, औरों को यह सुझाना तो सब करते ही रहते हैं, अर्थात हम सब मनुष्य दूसरे मनुष्यों से
या दूसरे रिश्तों से हम लोग आपस में बातचीत करते ही रहते हैं, दूसरों की गलतियों पर उनको समझाते ही रहते हैं और नई नई सलाह मशवरा देते रहते हैं। कोई सरलता से कर लेता है तो कोई थोड़ी कठिनाई उठाकर, अर्थात सभी तो इस कला में निपुण नहीं होते। कोई थोड़ी झिझक या संकोच के बाद तो कोई किसी तीसरे की आड़ लेकर अपनी बात कह ही देता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा कठिन और ज्यादा श्रम साध्य अर्थात परिश्रम का साधन होता है अपने आप को समझाना, यानी कि अपने आप को हौसला देना, अब कठिन परिस्थिति से अपने आप को उबारना, अपने आप से बतियाना, अपने आप को सही राह पर बनाए रखने के लिए तैयार करना, अपने आप को आगाह करना अर्थात सावधान करना, चेताना, सचेत करना और सदा चैतन्य बनाए रखना अर्थात चेतना को जागृत करते रहना, ये बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन अनेक दुखों कष्टों से भरा है, उसमें हमें अपने आप को सांत्वना देना, अपना हौसला बनाए रखना, अपना साहस बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत पाठ में कवयित्री अपने आप से जो अपेक्षाएं करती हैं, जो उम्मीदें रखती हैं, यदि वे पूरी हो जाएं तो न सिर्फ उनका अपना बल्कि हम सभी का कितना भला हो सकता है। चूंकि अलग अलग शरीरधारी होते हुए भी हम हैं तो प्रकृति के मनुष्य नामक एक ही निर्मित शरीर और मन से अलग होते हुए भी हमारी वही भावनाएं, हमारी वही परेशानियां एक जैसी हैं। आइए कविता की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये इस कविता की प्रथम पंक्तियां हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इस कविता द्वारा कवयित्री कहना चाहती है कि हे मेरे भावना रूपी दीपक, तू लगातार जलता रहे, किसी भी तरह की कठिनाई या किसी तरह की बाधा को दूर कर, मेरे प्रियतम का मार्ग प्रकाशित कर अर्थात रोशन कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ऐसे ही धीरे धीरे मेरे भावना रूपी दीपक तू जलता चल, युग युग प्रतिदिन प्रत्यक्षण प्रतिपल। यहाँ पर प्रतिदिन हर दिन, प्रत्यक्षण का अर्थ है हर पल, प्रतिपल मैंने हर पल, यानी कि युगों युगों तक हर दिन प्रत्यक्षण हर पल हर अक्षण तू यूं ही जलता रहे, प्रियतम का पथ आलोकित कर। प्रियतम का अर्थ है प्रिय, यहाँ पर आप ईश्वर को भी संबोधित कर सकते हैं। पथ का अर्थ है रास्ता, आलोकित का अर्थ है प्रकाशित अर्थात रोशन करना। कवयित्री दीपक को जलने के लिए इसलिए कह रही है ताकि वह अपने प्रियतम अर्थात प्रिय का रास्ता प्रकाश से भर देना चाहती है, ताकि उनको उन तक आने में किसी तरह की परेशानी ना हो, उनका रास्ता रोशन हो जाए। इस अंश का प्रसंग कुछ इस तरह से रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने दीपक को परोपकार अर्थात दूसरों का भला करने के लिए वेदना और भावनाओं का प्रतीक बनकर अर्थात दूसरों के कष्टों और उनकी मनोभावनाओं का प्रतीक अर्थात उनकी निशानी मानकर वेदना से ही प्रियतम को प्राप्त करने की बात कही है, अर्थात वे हर तरह के कष्ट सहन करने के लिए तैयार है अपने प्रियतम को पाने के लिए। व्याख्या कुछ इस तरह से है, कवयित्री कहती है कि हे मेरे भावना रूपी दीपक तू जलता रहे, तू लगातार यूं ही जलता रहे, हार नहीं माननी है, तू इसी प्रकार प्रकाश फैलाता रहे ताकि उनके रास्ते का अंधकार मिट जाए। उनके रास्ते का अर्थ है अर्थात प्रियतम के रास्ते का अंधकार मिट जाए और उन्हें मुझ तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उन्हें मुझ तक आने के लिए किसी तरह का कष्ट ना हो, उनका रास्ता इस तरह से प्रकाशित हो जाए, रोशन हो जाए कि उनको मुझ तक आने में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। भाव यह है कि वह स्वयं कष्ट झेलकर भी अपने प्रियतम के मार्ग को प्रकाशित करना चाहती हैं, उनके मार्ग को रोशन कर देना चाहती हैं, क्योंकि वेदना को सहन करने से ही परम प्रियतम की प्राप्ति संभव हो सकती है। बिना कोई कष्ट किए प्रियतम को नहीं पा सकता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति बिना कोई कष्ट सहे नहीं हो सकती। कविता का अगला अंश है सौरभ फैला विपुल धूप बन। सौरभ का अर्थ है सुगंध,
विपुल का अर्थ है विस्तृत अर्थात बहुत बड़ा। कवयित्री कहना चाहती है कि हे मेरे दीपक, तू प्रसन्नता पूर्वक जल, खुशी खुशी जल, और तू प्रसन्नता में भरकर इस तरह से जल कि धूप बनकर सारे संसार में सुगंध भी फैला दे, और उसे प्रकाश से भर देने के लिए अपने सुंदर शरीर को अर्थात अपने कोमल शरीर को। मृदुल का अर्थ है कोमल, मोम सा घुल रे मृदुतन, मृदुतन का अर्थ है कोमल शरीर, अर्थात उसे इस तरह के प्रकाश से भर दे कि अपने सुंदर शरीर को कोमल मोम की तरह बनाकर घोल दे। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, सिंधु का अर्थ है सागर, अपरिमित का अर्थ है असीमित अपार। इसका अर्थ है कि तुम सागर के समान, जितना सागर में पानी है उतना ही तुम घना प्रकाश फैलाओ, असीमित का अर्थ है अपार, तुम घना प्रकाश फैलाओ। तेरे जीवन का अणुगलगल, इसका अर्थ है तेरे जीवन का कण कण गलकर अर्थात पिघल कर संसार को इतना प्रकाश प्रदान करे, अर्थात तू स्वयं को मिटाकर इस संसार में उजियारा भर दे। पुलक पुलक मेरे दीपक जल, कवयित्री कहती है कि हे मेरे दीपक, तू प्रसन्नता से जल, रोमांचित होकर जल, और स्वयं दुख उठाकर दूसरों को सुख प्रदान करना चाहती है। कवयित्री को स्वयं के सुखों से कोई लगाव नहीं है, किसी तरह का मोह नहीं है, वो तो सारे समाज में सुख समृद्धि देखना चाहती है, सबको सुखी देखना चाहती है। इसका प्रसंग कुछ इस तरह से रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को दीपक के समान जलाकर और दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना को प्रकट किया है, अर्थात कवयित्री स्वयं जलकर अर्थात स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करना चाहती है। कवयित्री का मानना है कि दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए स्वयं को दुख देना ही पड़ता है, इसी में परम सुख की अनुभूति वो समझती है। व्याख्या है, कवयित्री कहती है कि हे मेरे दीपक, तू प्रसन्नता में भरकर जल, तू खुशी खुशी जल, तू धूप बनकर सारे संसार में सुगंध फैला दे, तथा उसे प्रकाश से भर देने के लिए अपने सुंदर शरीर को कोमल मोम की तरह घोल दे, इस तरह से प्रकाशित हो कि तेरा ये शरीर कोमल मोम की तरह पिघल जाए। तेरे जीवन का कण कण गलकर संसार को अपरंपार प्रकाश करे, इसका अर्थ है कवयित्री कहना चाहती है कि हे मेरे दीपक, तू इस तरह से जल कि तेरे जीवन का कण कण एक एक कण गलकर अर्थात पिघल कर इस संसार को अपरंपार प्रकाश दे, असीमित प्रकाश दे, रोशन करे, अर्थात तू स्वयं को मिटाकर संसार को उज्ज्वलता प्रदान करे, स्वयं को पूरी तरह से मिटाकर पूरे संसार में पूरे विश्व में रोशनी प्रदान करे, सबके जीवन को रोशन कर दे। भाव यह है कि कवयित्री स्वयं दुख उठाकर दूसरों को सुख प्रदान करना चाहती है, उसे अपने सुखों के प्रति किसी प्रकार का मोह नहीं है, वह तो सारे समाज को सुख संपन्न करना चाहती है, वह सबको सुखी देखना चाहती है। आइए कविता का अगला अंश पढ़ते हैं। सारे शीतल कोमल नूतन, इसका अर्थ है इस संसार के शीतल अर्थात ठंडे, कोमल अर्थात मुलायम, नूतन मैंने नए, इन सभी तरह के पदार्थ तुमसे कुछ मांग रहे हैं, मांग रहे हैं तुझसे ज्वालाकण, ज्वालाकण का अर्थ है आग की लपट अर्थात आग के टुकड़े, तुझसे ही आग के टुकड़े मांग रहे हैं, किस लिए कि वे यह चाहते हैं कि हम भी किसी न किसी काम आए और इस संसार में उजियारा फैलाएं। भाव यह है कि सभी तेरे जलन को ग्रहण करके स्वयं जलना चाहते हैं। विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। विश्व शलभ का अर्थ है संसार रूपी पतंगा, सिर धुन का अर्थ है पछताना, ये एक मुहावरा है।
इस पंक्ति द्वारा कवयित्री कहना चाहती हैं कि संसार रूपी पतंगा पछता रहा है कि वह तुझ में मिलकर स्वयं को मिटा नहीं पाया, जैसे कि उसकी इच्छा थी कि वह एक क्षमा में जलकर उसकी रोशनी को और बढ़ाने में कारगर साबित हो, उसके काम आए। वह यह ऐसा नहीं कर पाया है, अर्थात उसे इस बात का बहुत दुख है और वह इस कल्याणकारी भावना को लेकर नष्ट क्यों नहीं हो गया, इसलिए वह पछता रहा है। कहते हाय न जल पाया तुझ में मिल, उसकी यही छटपटाहट यहां से इससे महसूस हो रही है कि वह भी चाहता है कि अग्नि में जलकर मैं कहीं ना कहीं उसका प्रकाश को बढ़ाने में काम आऊं। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, कवित्री कहते कि सिहर सिहर मैंने, अर्थात धीरे धीरे मेरे दीपक तू यूं ही जलता चल, दुनिया में प्रकाश फैलाता चल। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई है और इन पंक्तियों में कवयित्री ने मानव को स्वार्थपूर्ण विचारधारा को छोड़कर, अर्थात अपने स्वयं के सुख दुख को त्याग कर सभी की हितकारी विचारधारा को अपनाने की प्रेरणा दी है, अर्थात अपने सुखों को छोड़कर लोगों के हित के लिए काम करने को कहते हैं कि व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, समाज और देश के हित में कार्यरत रहना चाहिए, हर व्यक्ति की यही भावना होनी चाहिए। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित या लिखी गई कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने मानव को स्वार्थपूर्ण विचारधारा को छोड़कर, अर्थात अपने स्वार्थों को त्याग कर सभी के हितकारी विचारधारा को अपनाने की प्रेरणा दी है। उनका कहना है कि हर मनुष्य को अपने स्वार्थ भूलकर दूसरों के हित में कार्य करने चाहिए। इस अंश की व्याख्या जानते हैं। हे मेरे प्रिय दीपक, तू सीहर सीहर कर निरंतर जलता चल। कवयित्री कहती है कि हे मेरे प्यारे दीपक, तू धीरे धीरे इसी तरह लगातार जलता चल। संसार के जितने भी शीतल कोमल और नवीन पदार्थ हैं, वे सभी तुझसे आग के टुकड़े मांग रहे हैं। वे भी यह चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह किसी के रास्ते को रोशन करें। भाव यह है कि सभी तेरी जलन को ग्रहण करके स्वयं जलना चाहते हैं, खुशी खुशी जलना चाहते हैं, दूसरों के मार्ग को रोशन कर देना चाहते हैं, जबकि उसे इन्हें अपनाना चाहिए, उसे यह स्वीकार करना चाहिए। संसार रूपी पतंगा पछता कर कहता है, ये आप सभी ने देखा होगा, जब भी शमा या कोई रोशनी हम लोग जलाते हैं उसके पास छोटे छोटे पतंगे आ जाते हैं, वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसमें जलकर ही अपना जीवन का उद्देश्य जैसे उनका पूरा हो गया है। वह कहते हैं कि वह तुझ में मिलकर स्वयं को मिटा क्यों नहीं पाया, इस बात को लेकर पतंगा पछताता है, अर्थात उसे अत्यंत दुख है इस बात का कि वह किसी के काम नहीं आ सका। वह भी कल्याणकारी भावना को लेकर नष्ट क्यों नहीं हो गया, अर्थात उस पतंगे की भी भावना यह है कि वह किसी के काम आए। संसार में त्याग और परोपकार की भावनाओं की अत्यंत कमी है। मनुष्य अपने स्वार्थमय स्वभाव के कारण इन्हें अपना भी नहीं रहा है, जबकि उसे अपने सभी स्वार्थों को भूलकर इस समाज और देश के हित में परोपकारी कार्य करने चाहिए।